तो चलिए ये ले जा रहे आज संध्या, संध्या की बारी आज इसको ले जानी। शाबाश शाबाश शाबाश। आय हाय 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 हाय, कहाँ चल पड़े। चलिए हो गई है नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना, और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गाँव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो मौसम की बात कर लेते हैं। तो भाई साहब, मौसम की बात करूँ तो आज सीधे ही धूप मेरे फेस पर पड़ रही है, और ये धूप इतनी खतरनाक है कि मतलब सहन नहीं हो पा रही है। तो कुछ इस प्रकार है आज का नज़ारा, और इधर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी, कितना अच्छा लग रहा है जो हरियाली चमक रही है। और ये देखो जो दीवार के ऊपर सेवाल है वो भी कितना भयंकर रिफ्लेक्ट मार रहा है। कुल मिला के बात है कि आज धूप बहुत खतरनाक होने वाली है। और इधर की बात करें तो शेरू महाराज सो रखे हैं, उनको भी आज ठंडा लगा, तो शायद वो अभी धूप सेक रहे हैं। और मुझे जाना भी मार्केट दूध देने, और क्योंकि मामा जी जा रहे हैं देहरादून, तो उनके पास भी दूध देना, भाई लोगों के लिए देहरादून, तो जल्दी जाता हूँ नहीं तो उनकी बस छूटने वाली। तो मम्मी रख रही है यहाँ दूध, क्योंकि आज देहरादून जाएगा दूध। तो चलिए ले जाता हूँ इसको दुकान। तो भाई साहब, आज मेरे पास डबल वजन है, क्योंकि 1 किलो मामा का है, 1 किलो दुकानदार का, और 3-4 किलो मम्मी ने नीचे भाई लोगों के लिए दे रखा। मेरे पास कुल मिला के बात ये है 7-8 किलो है मेरे पास आज। चले गेट मैंने बंद कर दिया, क्योंकि आवारा पशु ना जाए नीचे। तो भाई रास्ते में आज कितने सारे पशु सो रखे हैं, किसी की गाय, किसी का बैल, ये सब आराम कर रहे हैं। ये किसी और गांव वालों के थे जो कि घर नहीं गए रात को, और यहीं सारी रात को यहीं रहे। भाई मामा जी के पास तो मैंने दे दिया है, और ये दूध अब दूंगा नाई की दुकान पर। मार्केट में ब्लॉगिंग करना काफ़ी टफ होता है, लोग ऐसा लगता है जैसे मेरे पे देख रहे हो, देखते भी हैं सही में, वो देखते यार ये क्या कर रहे हैं। पर चलो कोई नहीं, मैं जब अपना प्रोफेशनल काम है तो उसके साथ कोई हिचकिचाहट कोई शर्म नहीं होनी चाहिए भाई। दूध चलिए भाई वहाँ भी मैंने दे दिया, अब चलते हैं घर। तो चलिए बाजार का काम भी हो गया, और बाजार जाते हुए मेरे मन में हमेशा एक हड़बड़ाहट होती है कि बस मार्केट का काम जल्दी हो जाए। अब मार्केट में क्या होता है यार कि अब आदत नहीं है ना पड़ी हुई, शर्म लगती है, और ऊपर से क्या है कि पहाड़ी भाई पीलो चाय के नाम से ज़्यादा लोग जानते, तो फिर ऐसा लगता है कि यार सब बोलेंगे इधर आ इधर आ, फिर इसीलिए ठीक नहीं। हालांकि अच्छा लगता है आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत भी छूट जाएगी शर्माने की। अभी तो बहुत शर्म है, क्योंकि कोई बोलता है तो इधर पहाड़ी भाई पीलो चाय, बहुत प्राउड फील भी होता है कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, लेकिन उसके साथ साथ एक शर्म भी लगती है। हाँ, आज धूप देव जी भी तगड़े वो कर रहे हैं आज प्रहार। भाई साहब धूप तो बड़ी खतरनाक लग रही, मतलब लगा लो कि मैं नीचे भी आ रहा हूँ तो पसीना ही हो रहा है, इतनी गर्माहट दे रहा है आज सूर्यदेव। तो भाई साहब को खुजली हो रही है, और इसको गले पे हो रही खुजली। चल अरे भाई मारना मत, आगे संध्या तू ले जा रही आज, शाबाश चल आ जा बाहर, ओ जा रही चल बाहर, चल बाहर चल चल अंदर बाहर चल 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 शाबाश शाबाश चल चल चल। तो चलिए ये ले जा रही आज संध्या, संध्या की बारी आज इसको ले जानी, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। मम्मी मैं आ गया, और भाई साहब मैं दुकान से लेके आया पार्ले जी बिस्किट, पार्ले जी लेके आया भाई। भाई एक बात बता देता हूँ आपको, ये पार्ले जी आज भी उतना ही है, जब से मैं बचपन से देख रहा हूँ, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था है, तो ये उतना ही है, आज भी उतना ही है। तो भाई एक पार्ले जी बिस्किट है जिसके दाम नहीं बढ़े, पहले भी 5 रुपए का आता था और आज भी 5 रुपए का आता है। और ये जो इसमें लड़की है मेरे ख्याल से ये तो बुढ़ी भी हो गई होगी अब, क्योंकि हम छोटे छोटे थे तो उस टाइम भी इतनी दिखा रही थी इसमें, और आज भी इतनी है। मेरे ख्याल से ये बहुत बुढ़ी हो गई, हो भी गई होगी या इस दुनिया में है भी कि नहीं है इसका मेरे को पता नहीं, लेकिन बहुत बुढ़ी होगी अगर बची भी होगी। तो पार्ले जी के बारे में मैंने जब पढ़ा था, तो पार्ले जी पहले मैं सोचता था कि यार ये पार्ले जी कैसे पढ़ा इसका नाम। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो पार्ले जी है ना, ये पार्ले जी इंडिया में 1939 से हैं,
मतलब उस टाइम अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में, सन 1939 से ये हमारे देश में ये बन रहा था। और मैं सोचता था यार पार्ले जी जो है ये कैसे पड़ा इसका नाम, तो पार्ले जी दरअसल इसका नाम ऐसे पड़ा, पहले मैं सोचता था किसी की कास्ट होगी पार्ले जी या किसी का कोई रिलेशन वाला होगा जिसका पार्ले जी कुछ होगा, तो ये सोचता था मैं। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा कि इसका नाम पार्ले जी कहाँ से पड़ा, मुंबई में एक जगह है विजय पार्ले के नाम से, तो वहां से उस पार्ले जी लिया गया उस नाम से, तो तब से ये पार्ले जी बिस्किट बनता है और काफी अच्छी बात है। बस फर्क इतना है कि आज भी 5 रुपए का था, उस समय 5 रुपए का है, लेकिन पहले ये 5 रुपए में बड़ा पैकेट आता था, आज ये थोड़ा छोटा हो गया है। बस बिजनेस, ये है बिजनेस। लेकिन अच्छी बात ये है कि जब भी हम इसको देखते ना, इस पर एड भी देखते थे हम बचपन में टीवी पे, तो काफी अच्छा लगता था, तो आज भी उतना ही है। हम बुढ़े हो गए लेकिन ये आज उतना ही है, हालांकि इसमें जो फोटो होगी ये तो बुढ़ी हो गई होगी या तो दुनिया छोड़ के चली गई होगी, लेकिन काफी अच्छा लगता था। पार्ले जी बहुत पुराना बिस्किट है भाई, मानना पड़ेगा। अरे मम्मी ने ला दी है गरम गरम चाय और इसमें खाएंगे पार्ले जी बिस्किट। ले मैं एक तो खा, ले 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 एक रख कर दो, ला एक समझ रख भाई। पार्ले जी काफी फेमस है भाई, ऐसी बात नहीं। ऐसा मम्मी तो जा रखी है घास के लिए और मैं और शेरू हैं घर पे, बाकी अनीता कॉलेज जा रखी है, बस हम दो ही अकेले रहते हैं यहाँ दिन में। भाई साहब बंद मस्त होके सो रखे हैं यहाँ आराम से, और मौसम आप देख सकते हैं कभी हंसा रहा है तो कभी रुला रहा है, यानी कि कभी गर्मी हो रही है तो कभी एकदम ठीक हो रहा है मौसम, मतलब पर एक जैसा नहीं रह रहा है। और सामने आप देखिए घुघुती, यहाँ पे घुघुती जब आती है तो काफ़ी खुशी का माहौल होता है उस समय जब घुघुती आती है, और इसको शुभ चिंतक भी माना जाता है। तो चलिए मम्मी आ गए और मम्मी अब खाना बना रही है, और मम्मी लगी खाना बनाने पर। अब क्या बना रही मातू आज? हरी सब्जी और चावल। तो ये देखो आज मम्मी इसकी सब्जी बना रही है, इसको पापड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, और इसको बोलते हैं नलेंडा, जो कद्दू के जो बेल पत्ते होते हैं उसको निकालते हैं, इसको नलेंडा बोलते हैं, और बाकी ये होता है पापड़, इससे पथूड़ भी बनता है। और भाई धूप बड़ी कड़क लग रही है आज, और इधर देखिए आप, हाय 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 हाय, कहाँ चल पड़े, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई मेरी माँ को फिक्र अभी भी भैंस की है, मतलब मैं भूखा हूँ लेकिन मेरी माँ का ध्यान अभी भी भैंस पे है कि भैंस भूखी है। अरे माँ चले जाना थोड़ी देर में, दिन में ठीक नहीं आज, रू उड़ताने भी लगी है। मैं मम्मी को बोलता हूँ कि दिन में मत जाया कर, शाम को जाया कर, क्योंकि आजकल धूप लग रही है तो सांप आने का खतरा है। सांप आने का खतरा तो खैर क्या, सांप तो पक्का आ रखे होंगे, लेकिन सांप का डसने का खतरा, अगर सांप डस लेगा ना तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। चलिए खाना बन गया है, मम्मी आवाज़ दे रही है, और इधर मम्मी ने रख दिया खाना। ये है कापली और दही है और चावल है, वाह क्या खुशबू आ रही है। तो चलिए मम्मी ने दे दिए मेरे को, काफ़ी स्वादिष्ट होती है कापली, और इसको खाने में मज़ा ही कुछ और है, तो इसको खा लेते हैं अब। और मम्मी भी अपने लिए निकाल रही है, और दूसरा और एक शेरू के लिए निकाल रही है, अपने लिए भी निकाल रही है। काफी स्वादिष्ट होती है, इसमें लाई का तड़का, इसमें लाई का तड़का दे रखा है, इसमें प्याज टमाटर नहीं पड़ता है, और इसका स्वाद ही अलग आता है। और मम्मी भी खा रही है, कैसा हो रहा माँ? अच्छा। तूने बनाया बढ़िया हो रहा। अच्छा बन रहा है। तो चलिए हमने खा लिया, और कुत्ते के लिए यहाँ रखा हुआ अलग से। सच बताऊँ तो अभी जो हरी सब्जी हुई ना, कसम से काफ़ी स्वादिष्ट हुई, और जितनी भूख थी उससे ज़्यादा बढ़ गई भूख, और मज़ा आ गया खा के। जो पहाड़ी जो सब्जी होती है ना उसको हम कापली बोलते हैं, उसमें क्या होता है जो कद्दू होते हैं ना उसके जो बेल पे जो पत्ते होते हैं उनको निकालते हैं, और जो पथूड़ जिससे पथूड़ बनता है पापड़ उनको निकालते हैं, यानी कि अरवी के पत्ते, और उससे बनाते हैं, उस दोनों को आपस में काट के उससे बनती है पहाड़ी कापली। और उसमें जो तड़का पड़ता है, प्याज टमाटर का नहीं पड़ता है, उसमें पड़ता है जखिया का तड़का, उससे भूख डबल हो जाती है और स्वाद भी डबल आ जाता है। मैंने खाना खाया और अब चले गए घास के लिए फिर से, हाँ खेत आराम जाना है, सांप की डर भी था मणि जाके बेटे जा रही, पर आराम जा अभी बात गुरु की डर भी ठीक है। तो माँ चले गए है घास के लिए, आराम बिल्कुल नहीं करेगी मेरी माँ,
और ऊपर से सांप का खतरा लगा क्योंकि अभी धूप आ रही है, और धूप में अभी भी कोई गांव में बोल रहा था कि हमारे वहाँ सांप आ रहा था, तो जैसे मैं जा रहा था तब तक वो सांप चले गया। कुल मिला के बात है कि जैसे धूप लगते हैं ना तो सांप बिल से बाहर आ जाते हैं, बहुत खतरा होता है।